खलील रहमान ये <laughs> मेरा पहला पॉडकास्ट है मैं आपके साथ इसलिए यहाँ बैठा हूँ आपकी जो पर्सनालिटी है आपसे हमेशा मिलके एक बड़े वेल विशिंग आदमी की वाइब आई जिस खानदान से आप हैं उनकी तो आप लोगों की तो वैसे ही हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि तो मैं आपको एक पैसा नहीं चार्ज कर सकता सर बल्कि साख खुआ के मैं कई दिन रोटी मैं में एक शो था जहाँ आप होस्टिंग कर रहे थे शान और आपके बीच में कुछ बड़ी बातें हुई थी मीठी शीठी शान लुक्स लाइक अ फिल्म स्टार लेकिन मैं उनको एक और चीज भी कहता हूँ कि शान भाई आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब आप कोई ऐसा कमेंट पास करते हैं कोई ऐसी बात करेंगे जिससे किसी की तजलील हो तो उसके बदले में फिर रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है पालक गोश्त हमजा आलू <laughs> मेथी आज की पका है

और स्पेशलीफ्टर द कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ा और भी मतलब करीब हो गया uh, जो अभी आपने बात की बड़ी बात है कि अगर आप इस तरह इस चीज़ को प्रिसीव करते हैं जब आप पप्पू बच्चे होते थे पप्पू लौंडेडा हाउ बोथ came about the first thing was the first meeting was at PC yeah she I, I think yeah she saw me at a party maybe once and uh, college ki party get together the party क्यानो rashid wali look क्यानो rashid wali look थी और उसके बाद I think uh, उनको किसी ने uh, बताया कि ये लड़का वहाँ बैठता है PC में sketching करता है so she came to PC To get Ooh. her sketch done, but her best friend got her sketch done, and so Abachari, and this is just for the record, cause she was talking you.: No <laughs> this, <laughs> this you ask her. you can ask her this, but not stalking, I would say that probably she we both found each other attractive, mm -hmm. and she pursued, and she made the effort to come to on the record, you said she pursued me. meapchar. Yeah, एक्चुअली mm -hmm. me so, पार्टी में जब मैंने देखा था जब निकल के गई तो मैं दरवाजे तक गया था मैंने देखता रहा की यार ये फरिश्ता नुमा कोई इंसान है शादी बड़ी एक मजेदार चीज होती है और रिश्ता जब आप मांगने जाते हैं स्पेशली एक गुलुकार जा रहा है गुली <laughs> देखो साढ़े तो वेला तो बढ़िया तीनों खुश रखा क्या आ, फादर इन लॉ माशाल्लाह आपके फादर इन लॉ भी एक बड़े डाडे बंदे हैं ठीक है जी सिगार पीते हैं अक्सर वो नहीं पीते थे आ, पीते ना, 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 उनको उनके साथ भी कभी बैठेंगे तो क्या कन्विंस मतलब उस टाइम पे क्या उन्होंने एक वो मैन टू मैन टॉक हुई

मतलब वो फरिश्तान वो ना लोग हैं कल्चर्ड फैमिली एजुकेटेड तो मैंने उनसे मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे माँ बाप ऐसे मिले फिर मुझे इन लॉज ऐसे मिले कि मेरी उन सबसे दोस्ती है वी लाइक फ्रेंड्स सो आई थिंक दैट इसी वजह से यू नो दिस टूड बाई मी आशा टूड बाई मी एंड आई थिंक वी वेरी ब्लेस्ड एंड आई थिंक दैट समट्स अदर पीपल सी दैट यू हैव समथिंग दैट दे डोंट इन सम वेज उस पर भी फिर हसद और जेलसी चीज़ें आती हैं इस तरह की तो आई वुड से कि इसीलिए हमने अपना जो हल्का है भाव है वो छोटा कर दिया अब हम ज़्यादा मिलना मिलाना बाहर जाना या पार्टीज़ वगैरह इसको अवॉइड करते हैं वी लाइक टू स्पेंड आई लाइक टू नाउ स्पेंड टाइम विद माई फैमिली चिल्ड्रेन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ hmm. क्योंकि मैंने बहुत सा टाइम लूज़ किया है अपने एक्टिंग डेज में या जो मुझे इंडिया में काम कर रहा था अजान बड़ा हो रहा था तो एज अ फ़ादर जो मेरी प्रेजेंस है मेरी इस वक्त फोकस सिर्फ यह कि मैं अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों और आशाओं के लिए टाइम दो ज़्यादा स्पेंड करूँ एक और आपका बच्चा आपकी जिंदगी में दानियल हाँ वो बड़ा वो हो गया आपने उसको नहीं नहीं मैंने क्योंकि दानियल को छोटी उम्र से देखा और अब वो एक क्या महंगा कैरेक्टर लगता है ज़्यादा <laughs> मुझे लगता है अभी वो करके कुछ करेगा बट ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर ही हैज़ अ वंडरफुल वॉइस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो जरा ट्रैप और अभी आप लोगों ने एक सुशी yeah. गाना निकाला है बट यू बिन अज इन्फ्लुंस ऑन हिम आई गैस बट मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा एंड आई थिंक बिकॉज मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरे शेडो में बढ़े अपना काम करे Uh, उसके लिए चैलेंज ये रहा है दानल के लिए एन आई मस्ट अप्रीशिएट हिम फॉर दिस एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि देखो जब आप किसी ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर एक फ़र्द पहले से ही फेमस होता है उसका एक वो होता है और आपकी मुशाहत भी थोड़ी बहुत हो तो लोग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं अब वो बंदा तो ऑलरेडी एक मकाम पे पहुँच चुका है तो ज़ाहिर है आप तो भी यहाँ है तो वो जो कंपैरिजन है वो वैसे ही अनफेयर होता है क्यार अली ज़फ़र ने तो ये किया तो दानियल क्या कर रहा है इस सारे प्रेशर में कि ये शक्ल भी वैसी है यू नो समीपल्स कि ही लुक्स मोर अली अलीफ़र देन अली जफ़र लुक्स लाइक इम से अब उस उस पे ये चैलेंज जो था कि यार उसने अपनी एक आइडेंटिटी क्राफ्ट करनी है hmm. काफ करनी है अपनी पहचान अपनी तरह का म्यूज़िक उसकी एक अपनी आवाज़ ये उसको बहुत क्रेडिट जाता है कि वो अपनी धुन में लगा रहता है और बड़ा सीरियसली अपने आर्ट को लेता है और ना मेरे से वो ज़्यादा चीज़ों का पूछता है मशाता है ना मैं उसको देता हूँ मैं कहता हूँ तो ये तुम्हारा म्यूज़िक है तुम अपनी मर्जी से करो मुझसे अगर हाँ मशवरा लेना होगा तो मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत जिस लेकिन उसकी जो ख़ुद एक अपनी क्रिएटिव एक एबिलिटी है हुँ. वो इतनी प्रोफाउंड है वो ट्रू प्योर आर्टिस्ट नहीं होता इनोसेंट सोल प्योर आर्टिस्ट कि उसमें लगा लगावट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता है ना आई थिंक ये करो एक्सक्यूज मी क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है जुलील डेवलपर्स आपके लिए लेकर आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल स्टेट प्रोजेक्ट लाहौर एंटरटेनमेंट परफेक्ट रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी फॉर दर फैमिली जहां होगी लाइव परफॉर्मेंसेज कॉन्सर्ट्स फिल्म स्टूडियो थीम पार्क एंड मच मोर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉल नाउ नाउ बैक टू एक्सक्यूज मी इज ए गुड कंपोजर आई थिंक अगर आप उसकी अंग्रेजी एल्बम सुने ब्लू बटरफ्लाई और उर्दू में आने में उससे टाइम लगा क्योंकि उसकी फाउंडेशन हाँ, वो जब बच्चा था वो हाँ, उर्दू नहीं तो वो हाँ ही ग्रो अप लिस्निंग टू पिंक फ्लॉयड एंड ना तो उसकी जो स्थेटिक्स से सारे जॉन मेयर उसको मैंने अपना एक जेन पॉड उस वक्त होता था जिसमें सारे अंग्रेजी गाने थे तो वो बचपन से वो सुनता आया वो तो ब्लूज और जैज़ और सारा वक्त उसमें रहा तो जब उसको पंजाबी में गाना पड़ा तो उसके लिए वो चैलेंज था कि बट ही कंपोज इन पंजाबी और उसने लिखा वो जय चन चढ़ आते तो उसके लिए जो जर्नी है कि उर्दू में और पंजाबी में लिखना कंपोज करना आई थिंक ये एक बड़ी ही आ, मुश्किल भी थी क्रिएटिव भी थी मज़े की भी होगी बट आई थिंक ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ द बेस्ट मेरे बड़े भाई के नाते में I, ये कह सकता हूँ कि आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम जिस तरह से उसने, उसने अपने आप को अपने चैलेंजेस को कंडक्ट किया हैर्नी एंड शुड जहाँ हम जर्नी की बात करें वहाँ अली जफर पर एक बड़ा इल्ज़ाम भी है कि यार पी एस एल का गाना अगर अली जफर की आवाज में ना हो तो हिट नहीं होगा और एक माफिया बैठा हुआ है जो कि वो गाने को आगे जाने नहीं देता अली जफर अगलों के गाने है थोड़ी है एक मेरा पाकिस्तान में माफिया है एक पंजाब में लैदा है सिंध में लैदा है फिर इंटरनेशनल पी एस एल के गाने के ऊपर क्यों हर साल जब भी कोई पी का गाना आता है एक पार्टी बनती है यहाँ भाई भाई हाजिर है <laughs> एंड अगर ऑनेस्ट बात की जाए तो यू एक्चुअली दैट देखो हुआ क्या कि जब मैंने पहले तीन जब पी लॉन्च होने लगा था हुँ. तो मैं उन लोगों में से था कि यू नो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यार मुल्क में एक्टिविटीज़ हों स्पोर्ट्स हो म्यूजिक हो, 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 तो, फेस्टिवल्स हो।, फेस्टिवल्स हो फेस्टिवल्स हो, जब पी एस एल होने लगा मैंने कहा यार मैं अपनी दिल जान जो जान दूंगा इसको मुझे पैसों की भी ज़्यादा नहीं है लेकिन पाकिस्तान को एक लीग मिल रही है और यूथ को एक एंटरटेनमेंट का मौका मिल रहा है जो स्पोर्ट्स मैन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा होगा सो so, मैं बड़ी पिक्चर देख रहा होता हूँ तो मैंने बग़ैर किसी चीज़ की ज़्यादा केयर किए हुए मैंने उसको अपना दिलो जान खून पसीना पहले तीन साल दिया अब मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये मैंने किया यहाँ आप कह सकते हैं कि यार मैं एक वैसल था मेरे थ्रू ये चीज़ हुई जब कोई आमद होती है चाहे वो सीटी बजेगी है या वो छन्नो की आंख है या वो दिल से जान लगा दी या कोई भी गाना है वो हो जाती है उस वक्त वो मेरे से हो गया और अल्लाह का शुक्र है वो लोगों को पसंद आ गया इसमें मेरा कोई कमाल नहीं अब जब कोई और उस टास्क के लिए साइन किया जाता है तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता अब अगर वो चीज़ लोगों को पसंद ना आए या आए इसमें या आप किसी भी तरह का टेस्ट कर लें अगर एक चीज अच्छी होगी ना सौ लोग उसके खिलाफ बात कर लें वो आर्ट और वो चीज निकल जाएगी ये कई फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है बुरे रिव्यूज आए क्रिटिक्स ने उड़ा दी शुरू में आ, बहुत नेगेटिव शोले का आप अगर एनिमल के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। शोले के शोले को राइट ऑफ कर दिया गया था सिलसिले फ्लॉप हो गए आवाम जो होती है ना पब्लिक पब्लिक को आप ओपिनियन रेट नहीं कर सकते यहाँ लगता है गाना या नहीं लगता आ, आप ये नहीं कह सकते वो ध्यान से गाना ना लगे तुम्हें <laughs> ये होता नहीं है आ, कोई नहीं ये कर सकता अच्छा अगर मैं पूछूं कि आपके अलावा आपको कौन सा पीएसएल का गाना बाकी अच्छा लगा किसी का यार हाँ उसका बड़ा अच्छा था मुझे पीएसएल का आई थिंक जो नसीबो जी का वो जो पार्ट था मैंने उसको एंजॉय किया ग्रूव वाला आ, जो पार्ट था, था उसका। हाँ और कुछ गानों के कुछ कुछ टुकड़े मैंने इन्जॉय किए कि मैंने कहा और एज ए म्यूजिशियन आपको ज़ाहिर आ रहा होता है क्रिएटिवली हाँ। क्या अगर ये हो जाता ना अगर ये कोरस ऐसा आ जाता तो बड़ा मज़ा आता हाँ। तो, लेकिन मैंने उसको कभी इजहार नहीं किया उस चीज़ का मैंने हाँ ये ज़रूर मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा अगर इसके हम कॉन्टेक्ट में जाएँ तो जब मेरे बाद दूसरों को साइन किया गया तो मैं देख रहा हूँ कि यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मेरे ही दोस्त यार कॉलीग्स हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि अच्छा आपका पिछले गानों के बारे में क्या ख्याल है तो वो हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं yeah. अब मैं कह रहा हूँ यार आर वी नॉट एटीन वी नॉट इन कॉलेज वी आर ऑलमोस्ट फोटी रोल्ड मैन तो वाई आर वी बिहेविंग लाइक किड्स इन कॉलेज कि किसी का मजाक उड़ा रहे हो किसी का ये कर रहे हो फिर आप एक ख़ास मचोरिटी पे अगर किसी का अपना एक लेवल है उस पर कोई फेसबुक स्टेटस लिख रहा है कि अली की वजह से ये और फिर कोई टीवी पे आके कह देता है कि वो एक राइवल है उसकी वजह से क्योंकि जब भी पी आता है पी एस सॉन्ग के साथ अली जफर ट्रेंड कर रहा होता है सो so, हमेशा एक चीज लोगों को अच्छी लग गई मैं इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टन बेल बैटमैन के लिए लोगों को अच्छा लग गया अब अगर बेन एफ्लिक कास्ट हुआ है तो फैंस कहेंगे कि जी क्रिश्चन बेल वाला मज़ा नहीं आया अगर तो आ, उनका राइट right है कि नहीं है सो so, इसमें क्रिश्चन बेल तो नहीं करवा रहा हो वो लिखवा रहा नहीं सो so, जब ये चीज़ अपेरेंट हो गई कि, कि अगर कोई आके बोल ही दे कि आप पे फिर से एक इल्ज़ाम लग जाए कि जी ये इसलिए नहीं चला कि किसी देन आई सेट के यार बस आई कान बी वो जो नहीं होता डार्ट बोर्ड लगा लेते हैं कि हर आ, चीज़ का कसूर जो है वो अली जफर है आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ तो उसको मैंने एक वो भाई हाज़िर है एक मैंने किचन में बैठे बैठे नाश्ता कर रहा था मैंने कहा मैंने कहा आयशा यार ये फिर मतलब आयशा ने कहा पहले मैंने एक बड़ी इमोशनल वीडियो बनाई क्योंकि था क्या ये सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे घर भी आते हैं हम इकट्ठे जैम करते हैं तो यार अहमद भाई अगर आपकी मुझे कोई बात बुरी लगे तो मैं क्या करूँगा मैं फ़ोन करूँगा कि अहमद भाई यार स्टेटस तेरी पे यहाँ मैं जाके इंटरव्यू में दूँगी अहमद अली बट की वजह से मेरी फिल्म नहीं चली तो आपको कैसा लगेगा सो आई सेट देन आई शेट अली कनेक्ट टू द अली जो छन्नो की आंख वाला था तुम्हारा जो ह्यूमर है उसको लेके आओ सेट आई कनेक्ट मैंने कहा ओके okay, फाइन फिर ये लो ह्यूमर फिर मैंने कहा जी भाई हाजिर है हाँ जी मैं ही हूँ सारा जो आ, मैं ही, कर मैं ही कर रहा मैं ही कर रहा हूँ सारा तो आई ओन इट नहीं आपने यार आई थिंक फिर उससे भी भाई हाजिर है निकला अब फिर मैंने कहा कि अच्छा चलें

जहाँ मैंने देखा है कि आपने पी एम एल एन को भी क्रिटिसाइज़ किया है अपने पी टी आई को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं पीपल पार्टी को नहीं कर दे वो मेरा ख्याल वो तक बेचारी पहुँचती नहीं बट यू कपोर सेल्फ उनको भी कई दफ़ा मैंने सिंध के बारे में पीपल्स पार्टी ब्लावल को टैक करके कई सवाल पूछे हैं और मैं ऑथेंटिक सवाल पूछता हूँ मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं होता मेरा बायस नहीं मेरा बायस है सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हाँ सिंपल अगर कोई पार्टी या कोई लीडर मेरे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ कर रहा है तो मुझे लगता है उसकी तारीफ करनी चाहिए चाहे वो किसी भी पार्टी से हो लेकिन अगर कोई वो काम नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए बेहतर भी पैदा कर सकता है तो अगर अल्लाह अलावी ने मुझे आवाज़ दी तो मैं कम अज़ कम उसकी निशानदही तो कर सकता हूँ ना मैं कोई पर्सनल अटैक्स मैं बिलीव ही नहीं करता पर्सनल अटैक्स में आई थिंक इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिजमगर हमारे यहाँ तो रिवेंज पॉलिटिक्स हो रही है नहीं उसका फ़ायदा क्या हुआ इट्स काउंटर प्रोडक्टिव

शाबाश और अगर मेरा दोस्त भी कोई बुरी चीज़ कर रहा है जो नुकसानदेह हो सकती है तो मैं कहूंगा यार क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा जो तुझे करना चाहिए मगर आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का जो अब हालात अभी जा रहे हैं पाँच साल पहले या दस साल पहले हमेशा हम लोग कहते हैं कि जी पिछला वाला बेहतर था पिछला वाला बेहतर था पिछला वाला बेहतर था ऑन एन इकोनॉमिक फ्रंट पाकिस्तान इज राइट नाउ एंड वी हैव नेवर सो मच डिवाइडेड Where do you see Pakistan going, especially from music, films and television point of view? Where do you see Pakistan going towards? I mean, I've always been a hopeless romantic. Aay, aay. I always, uh, um, you know, my future को हमेशा positive देखता हूँ. You आप भी करने का La 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 la. एक दिन आएगा और. मतलब लेकिन मैं इस चीज़ पे believe नहीं करता कि वो दिन तीस दिन में या साठ दिन में 90 नब्बे One has to be realistic and practical. लोगों की अगर आप एक्सपेक्टेशन इतनी रेज कर देंगे कि जो अनरियलिस्टिक हों तो यू विल डिसअपॉइंट पीपल रियलिस्टिकली पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पे आने के लिए जहाँ पे वो एक बैलेंस और तोज़न में आ जाए और एक हेल्दी प्रोग्रेसिव जोन के अंदर आ जाए अगर आप आज से सब कुछ एक बेहतरी की और फंडामेंटल्स अपने ठीक कर लेते हैं तो आप समझें कि अगले 10 से 15 साल में आपको अफेक्ट फील होंगे जो कि एक हेल्दी प्रोग्रेसिव नेशन के फील होते हैं कि क्या क्वेश्चन इज कि वो फंडामेंटल्स क्या है दैट्स अनदर डिबेट एंड टॉपिक बट ओवरनाइट चेंज तब्दीली कोई मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सपेक्ट uh, करनी चाहिए इन चीज़ों पे टाइम लगता है वक्त लगता है uh, मैं एग्री करता हूँ वक्त तो लगता है लेकिन हमारे पास वक्त वाकई कम होता है अच्छा चलें पॉलिटिक्स को छोड़ें आप आपसे हमने बड़े और भी

वो मैंने एक इंडिया की फिल्म के लिए गाया था डांस गाना है लेकिन बहुत बड़ा हिट हो गया था mm -hmm. सुनीति चौहान के साथ है जो मैंने वो मेरा यौनरा नहीं है गाने का म्यूजिक टाइप okay. का बट इट्स क्लब सॉन्ग उसका नाम नहीं याद आ रहा

हर चीज़ में मौसी की है क्यों क्योंकि इसका एविडेंस आपको साइंटिफिक प्रूफ और स्टडीज में मिलता है कि हर चीज़ का मैटर का एक एक सेल वाइब्रेट करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस वो वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी इमिट करती है सो एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जी विच मींस दैट दैट साउंड एंड दैट रेजोनेंस दैट गोज अराउंड क्रिएट्स दैट साउंड जो सब साथ में जब मिलके एक म्यूजिक इन मोशन क्रिएट करते हैं वन यू गो डीपर आपको सोलर सिस्टम के हर प्लानट जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक रेजोनेंस क्रिएट होती है जो खास हर्ड्स पे होती है तो वो नोट बन गया hmm. फिर अगला प्लानट जुपिटर किसी और पे कर रहा है सैटन पे किसी और तो आठ सोलर सिस्टम के जो प्लानट्स हैं वो आठ सुरों पे गर्दिश कर रहे हैं जमीन जब गर्दिश करती है तो वो बी फ्लैट का सुर है अच्छा जी वा। जो आपकी जमीन की लेकिन वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी में उसकी रेज़ोनेंस है कि इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता बिकॉज़ आपके कानों के लिमिट है तो जब हमें ये समझ आ जाए कि किस तरह म्यूजिक जो था सुर जिसे कहते हैं उसी से स्टार्ट हुआ था सुर फूका गया और वो सारा और सुर ही फूका जाएगा जब ये तबाह हो जाएगा सो फ्री एवरी थिंग इज फ्रीक्वेंसी सो म्यूजिक क्या है frequency. अब जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को आप एक अलाइन कर देते हैं एक खास टेम्परमेंट में कि व्हेन दे कम टुगेदर इज द साउंड प्लीजिंग टू द ह्यूमन ईयर दैट साउंड्स म्यूजिकल दैट इज म्यूजिक इसमें कौन सी बात है जो के समझ ना आने वाली हो क्या सो आई थिंक मेरे लिए तो साइलेंस में भी म्यूजिक है इफ़ यू क्लोज यूर आइज इन यू गोन टू साइलेंस

i think they should be they could be reproduced and just use my voice and i would love to hear different producers take it and just use the voice sample in whatever way they want to use it creatively and that is where ai comes into play because uh, I'm now with ai i have seen that kishore kumar

माया को एक चीज पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए वजन हाँ आई थिंक शी इज लॉस्ट टू मच आई मीन आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट इट्स हर इट्स हर बॉडी शी इट्स अ थिंग बट आई थिंक कि इंसान को हेल्थ पे <laughs> तू जरा हेल्दी लगे यार कॉन्शियस ना हो अपने हाँ। बोल दिया करें कुछ नहीं होता और क्या होगा कंट्रोवर्सी बनेगी ना खैर <laughs> तो कुछ खाए <खाया> पिया करो <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> कटरीना की मुझे सबसे चीज क्या लगी <laughs> यार मैंने सवाल पूछे आगे से एक बंदा मुझे कटीना के बारे में इतने सवाल जो होते हैं आई थिंक uh, उसका प्रोफेशनलिज्म और हार्ड वर्क बहुत प्रोफेशनल है हार्ड वर्किंग है गोल ओरिएंटेड फोकस्ड हर अच्छा। फोकस ओके तो इंडिया में मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या था आई डोंट नो मे बी जब uh, ये सारी एक वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने मेरी और फवाद की और माहरा की क्लिप्स लेके एक हफ्ता वो अपने चैनल पे चलाते रहे लूप पे और हर तरह की गुफ्तगू करते रहे, रहे। जो भी है दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू या द बेस्ट एडवाइस जो, जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी वो मैंने म, मेरा ये एक्चुअली uh, शौक है कि जो मेरे पेरर्स होते हैं जो बड़े लोग होते हैं मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको दिस वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव टू गिव मी क्या होगी बिकॉज़ एज आई सेड आई लाइक टू लर्न और हाथ जलाए बगैर किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो तो वो ज़्यादा बेहतर है तो मैंने अनिल कपूर साहब से इंडिया में एक यश आज में सलमान खान साहब की फिल्म की एक आफ्टर पार्टी थी एक था ता टाइगर की शायद उसका तो लड़ना तो उस वक्त मैं वन एडवाइस दैट यू हैड टू गिव तो किसी और का मत सोचो कि कौन क्या कर रहा है बस अपने काम पे फोकस करो एंड आई दैट रियली लाइन विद माई स्ट hmm. yes, किसी का ना देखो क्योंकि खुदा ने किसको कितना देना है ये उसका नसीब है सिर्फ अपना सोचो कि यार मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ हर लम्हे में हर रोज अपने काम को अपने आर्ट को एक गाना जो काश मेरा होता मुझे याद है जब शुरू शुरू में आ, आदत आया था तो आई हर्ट द लड़के की कि कितनी अच्छी आवाज़ है और मैंने गेमिंग क्लब में हम लोग उस वक्त होते हैं तो रिलीज भी नहीं हुआ था तो वो गाना लगा मैंने कहा यार कितना अच्छा गाना है उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है एंड देन आई फाउंड आउट कि ये बैंड है जल है और इस तरह है बट आई डोंट थिंक कि मैं आतिफ़ से बेहतर गा सकता था वो गाना तो उसी का जिसकी आवाज़ में होता है उसी का होना चाहिए अच्छा लोगों ने आपके और आतिफ़ के बारे में बड़ा कहते हैं कि जी आतिफ़ और अली आतिफ और अली वही वाला जो ई पी नूरी का होता था आप लोगों का बट ऑफ यू बिकम सो ह्यूज तो मतलब कभी आउट किया एक दूसरे के साथ इस तरह टू आई थिंक दोनों अपने अपना अपना एक uh, माशाल्लाह से एक जिंदगी है करियर है आई एम ऑलवेज बिलीवड इन के यार आर्टिस्टों हम को हम लोगों को सांझे और साथ बैठ के मिल बैठ के काम करना चाहिए गुफ्तु करनी चाहिए अच्छे एटमोसफियर में और ये जो कंपटिटिव इन्वामेंट है ये नहीं होना चाहिए और दिल में नहीं सोचना चाहिए कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज yeah. इवेंचुली uh, आज अली जफ़र है कल नहीं होगा कोई और होगा आज आते फसल में है कल कोई और होगा पहले भी ज़माने में कई सिंगर्स रहे जिनमें रेवलरीज थी आलमगीर साहब या शेकी साहब को लोग देखते थे यार मैं देखता हूँ कि जब मैंने उनको देखा कि उम्र के अगले हिस्से में एक दूसरे से गले मिल के वो यू नो इमोशनल हो रहे थे कि उस वक्त हमने इतना हाँ तो इट इज़ नॉट इसलिए मैं सबको ये कहता रहता हूँ कि यार साथ बैठ के बातचीत करें खाना खाएं साग खाएं म्यूजिक करें मेरा तो ये आतिफ दैट्स एन ओपन इनविटेशन माय फ्रेंड नहीं नहीं उसको आई थिंक ही इज ही सेड समथिंग टू मी व्हिच आई अंडरस्टैंड एंड चूंकि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं एक बात दो लोगों की एसओयू उसको पब्लिकली ना करूं uh, लेकिन उसका एक मुसबत खुलासा जो मैं बता सकता हूं वो ये है कि ही लाइक्स टू बी इन हिज इन इज इन हिज ओन

आर्ट होना चाहिए म्यूजिक I mean, होना even, चाहिए uh, नए लोग आने चाहिए सबको फलना फूलना चाहिए इंजॉय करना चाहिए आई डोंट नो अगर मतलब यू गाइस हैंग आउट ऑल दैट आई हैंग आउट विद आउट आल्सो मैं मतलब uh, फवाद के साथ भी हैंग आउट करता हूं एंड एवरी टाइम दे ऑलवेज स्पीक वेरी हाईली ऑफ यू बिकॉज इन अ वे यू डिड काफ द वे फॉर इंडिया वाली So so कई so, kind of yeah. yeah. चीज़ें आपने कई लोगों के लिए आसान किए होंगी hmm. अगर अल्लाह तला ने मेरे थ्रू कोई चीज़ें दूसरों के लिए आसान कर देता है तो उसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है वी आर ऑल चोजन फॉर दोंग ठीक है सो आई फील के पीपल लाइक आतिफ असलम और फवाद खान हमायू सईद फाद मुस्तफ़ा मायरा ख़ान सज्जल अली बहुत से और नाम हैं हमारे इंडस्ट्री के महविश हैं स्पेशली ख़वान में बिकॉज ज़ाहिर है वहाँ पर ज़रा टैबू ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा चीज़ें फेस जितने भी लोग जो मुश्किल रास्ते को ऐसे स्टेयर करके एक रास्ता बनाते हैं ना अगली जनरेशन के लिए उनकी कई चीज़ें हमें वैसे ही दरगुजर कर देनी चाहिए और उनको अप्रीशिएट करके यहाँ बिठाना चाहिए क्योंकि हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं यार मैं को परफेक्ट हूँ नहीं बहुत सी मेरे अपने अंदर इतनी वीकनेसेस हैं अगर मैं उन्हीं को ठीक करता रहूं तो मेरा मैं किसी को क्या कह सकता हूं सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर अलॉट मोर देन दैट कल्चर दर आई सी नाउ डेज मोर देन दोल्ड डेज क्या हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें गलती क्या है इसमें कम क्या है इसको क्रिटिसाइज़ कैसे करना है बिकॉज वी सम नाउ फील कि अगर मैं इसको क्रिटिसाइज़ करके गलती निकालूंगा ना तो मेरी वो होगी कि देखा मुझे इतना पता था कि मैंने इसी गलती निकाल दी दैट स्टेम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ ईगो जब आपकी ईगो नल एंड एनबॉड हो जाती है ख़त्म हो जाती है तो आप सिर्फ इस तरह होते हैं कि मेरा कुछ नहीं सब तेरा है और ये सब लोग जो है ये अल्लाह ताला के भेजे हुए यहाँ पर अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है और इनकी फैमिलीज के लिए आप दुआ करते हैं उनके करियर के लिए चाहे वो आपके कम्पटेटर्स परसीव किए जाते हैं बट आई सी सीधम

बाहर वॉक पे या yeah. जॉक पे जा रहे हैं अशा आ जाओ जॉक पे तो वो कह रही मैं सिलाई कढ़ाई तो अपना वो कर रही <laughs> मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा कभी आ जाए करो आ भी जाती है सो mm. so, मैंने उसको कहता हूँ कि दिस नशा यू यू मस्ट ऑलसो एक्सरसाइज इन देंस के गो आउट बाहर जरा थोड़ा, थोड़ा निकल लिया करो और शी लाइक्स टू बी इन कोजेस बॉट नई रिस्पेक्ट दैट बट आई ओनली से बिकॉज ऑफ हेल्थ पर्पजस के आई वॉन्ट टू सी हेल्थी क्योंकि सारा दिन बच्चे हजबेंड माँ बाप तो मैं उसको कहता हूँ कि आयशा वट इज़ योर आयशा कुछ टाइम अपने लिए निकालो और सिर्फ अपने लिए निकाला करो और उसमें जो तुम्हारा दिल करता है वो क्या करो इतना कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है ओके तो, yeah. okay. um. एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने एक शौहर जो कि अपनी बेगम को पह के वजन कम करो नहीं नहीं <laughs> बिल्कुल भी नहीं <laughs> ओ, बड़े यार आ, अच्छा जी ये मैंने भी अपनी बेगम कहा था मुझे आगे से <laughs> नहीं मेरा जो वजन वाला जो ये इशू है ना ये बहुत पहले मैंने अपना रिजोल्व कर लिया था अपने माइंड में <laughs> कि यार जो हम एज मैन देखते हैं कि यार वुमेन शुड बी लाइक दिस ये तो हमारे अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है आ, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि यार खुश है आ, अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं वो खुशी देने के लिए इसलिए नहीं कि मैं को बड़ा मैं आपको तो इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि खुशी बाउंस बैक करती है आ, बिल्कुल आप किसी को देते हैं आपके पास वापस आते फिर वो साइकिल बनता है एक अच्छा पॉजिटिव तो इट्स फॉर दो सिंपल रीजन फातमा ने ना ऑर्डर किए दो-तीन ट्रैक सूट्स सर्दियाँ आई <laughs> ये पिछले साल की बात है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू यस बिकॉज़ वो देखें मैं नहीं चाहता कि आप अलग स्टूलि पे चढ़ें मैं भी मतलब चला रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती की तो फात मैंने ना दो-तीन नए ट्रैक सूट्स मंगवाए अच्छा वो आ तो गए हफ्ता हो गया डेढ़ हफ्ता हो गया दो हफ्ते हो गए मैंने कहा यार ये पैन के जिम भी चली जाओ अच्छा

अच्छा क्या मैंने असल दोस्त ज्यादा बनाए या फेक फ्रेंड ज्यादा बनाए नहीं दोस्तों को मैं ऐसे देखता हूँ कि जिस तरह आपकी जिंदगी एक जैसे रेलगाड़ी का एक सफर है कहीं रुकती है पे कुछ लोग अंदर आते हैं कुछ थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं फिर आगे जाते हैं कुछ लोग अंदर आते हैं लेकिन कुछ लोग होते है, जो पहले जाते हैं जो पहले स्टेशन से लेके आखिरी स्टेशन तक आपके साथ ही होते हैं तो ये सारा एक नेचुरल एक फिनोमेना है प्रोसेसर पीपल कम एंड गो एंड सम स्टे एंड देयर आर सम फ्रेंड्स हु स्टे क्लोजर अली जफर एज अ सिंगर और अली जफर एज एन एक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड से आई जस्ट आई जस्ट वांट टू बी व्हिच साइड ऑफ योर क्रिएटिविटी यू एंजॉय मोर आई लाइक मेकिंग म्यूजिक म्यूजिक अच्छा म्यूजिक में भी कंपोजिंग या सिंगिंग

आई एम हैप्पी दैट ही वॉज ओपन टू से अच्छा आप क्या चाहते हो मैंने कहा आपके पास मुल्क के बेहतरीन म्यूजिशंस हैं म्यूज़िक hmm. बनता है जैमिंग से ah. मैंने कहा पुट मी इन द रूम विद द म्यूजिशंस विल जैम खुद ही आ जाएगा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ सो so, मैं गया कराची कोक स्टूडियो की रिहर्सल्स थी मनु भाई और ये सब लोग बैठे हुए थे मैंने कहा मनु भाई को ब्लूज का ग्रूव लगाए उसी वक्त वो आ गया तो मुझे ये एक चीज है कि आमद हो जाती है फौरन अब जो लिरिक्स रखने थे मैं नाश्ता कर रहा था एक दिन किचन में मैंने कहा मेरी जरा कॉपी देना नाश्ता करते करते गिटार काली काली रात में कपड़े पहन के आता हूँ हर पार्टी की जान मैंने कहा लेट दिस बी स्टूपिड एंड गुफी एंड सेचर ऑन माय ओन सेल्फ कि मैं ये क्या होता है अभी रॉकस्टार फलाना बड़ा रॉक स्टार है फलाना बड़ा रॉक स्टार है ये रॉक स्टार होता क्या हैजमत है या या <laughs> कुछ लोगों ने कहा था कि आपने अलीमत को ट्रिब्यूट दिया वो <laughs> वो एक ही है वो तो बाकी <laughs> तो कल मुझे गालियों वाला फोन भी आया था वो बाद दस क्यों <laughs> मुझे भी आया है उनके गाली वाले मैसेज फिर नहीं मैंने कहा पॉडकास्ट करने पैसे दे मैं यार शर्म करें यार मतलब इस उम्र में आपको पैसों की जरूरत है मैं तुवाल दी जरूरत है पैसे मैं आपके साथ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है yeah, really मैं आपके साथ इसलिए यहाँ बैठा हूँ बग़ैर पैसों के ऑन द रैकेट क्योंकि मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है आपसे हमेशा मिल एक बड़े ऑथेंटिक खुशगवार और एक वेल विशिंग आदमी की भाई बाई कि समड़ी यू विश इज़ वेल फॉर एवरीबडी समड़ी यू इज़ अ गुड आर्टिस्ट जो आर्ट को समझता है हुँ. जो जिस खानदान से आप हैं उनकी तो आप लोगों की तो वैसे ही हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार यू आर कस्टोडियंस ऑफ दैट Uh, you know, पूरा वो जो सिलसिला चलता आ रहा है सो इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्टर तो मैं आपको एक पैसा नहीं चार्ज कर सकता सर बल्कि साग खुआ के मकई की रोटी मैं, मैं बट आए ने <laughs> फोन कियाग बना लेंगे कल कहना <laughs> yeah. अच्छा जी अगर मैं किसी की में काम करना चाहूँगा मैं आइडिया दे तो रहा हूँ अगर किसी ने यूज किया तो मुझे रॉयल्टी जरूर दे दे मजाक कर रहा हूँ जुनेद जमशेद पिक फिर बननी चाहिए

उतना हम देते नहीं एक और शख्स मोइन अख्तर अरे वाह मेरे ख्याल में मोइन अख्तर साहब से ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर पूरे बड़े सग़ीर में नहीं है अगर आप उस, उनको स्टडी करें अच्छा दूसरी चीज़ इंसान ऐसा इंसान कि जब मैं शुरू शुरू में जब छनों की आँख आया और तो वो शोज़ जो हमारे कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे तो उनको होस्ट करते थे ना तो आप जब होस्ट आपका इंट्रोडक्शन देता है तो उस पर बड़ा कुछ इन होता है ना हाँ। ये कह सकता है कि अली खुवात ये भी <laughs> हो सकता है लेकिन वो बिल्ड इतना कर देते थे, थे कि मैं शर्मिंदा हो जाता था कि ये क्यों मेरे बारे में इतनी बातें कर रहे हैं मोहन अख्तर और मैं तो इस काबिल नहीं हूँ क्योंकि उनको पता था कि फ़नकार की इज़्ज़त करना और एक अपकमिंग स्टार की इज़्ज़त करना और उसको वो कॉन्फिडेंस देना कि वो आके परफॉर्म कर सके इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है आजकल सिर्फ मुझे महसूस होता है कि हमारे दिल थोड़े छोटे हो गए दिल बड़ा करना चाहिए किसी की तारीफ करने से आप छोटे नहीं हो जाते आप बड़े हो जाते हैं तो आई थिंक मीन अख्तर वॉज नॉमिनल ह्यूमन बींग आर्टिस्ट और भी बहुत से मैडम नूर जहाँ पे बननी चाहिए एक्चुअली और और बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं यार जिनका आपको बिल्कुल बनानी चाहिए यार हां मगर फिर बजट भी उस तरह का होना चाहिए था ना कि मैडम के ऊपर फिल्म बन रही है अच्छा जी आ, एक चीज जो मैंने डैनियल से सीखी मैंने <laughs> मैं मैं का, मैंने कहा मैंने कभी इस तरीके नहीं नहीं डैनियल से मैंने ये सीखा कि एज़ एन आर्टिस्ट कई दफा आपको जो आप अपना क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें बिल्कुल सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोगों को कैसा लगेगा इट शुड जस्ट बी फॉर योर सेल्फ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ पीपल्स प्लीजर कि यार ये शुरू में बहुत सोचता था यार लोगों को कैसा लगेगा फैंस uh. को कैसा लगेगा बट नाउ आई डू म्यूजिक जब मैं करता हूँ कि यार फॉर कि वो आर्ट को कैसे सर्व कर रहा है आर्टिस्टिकली मेरे साथ मेरे साथ कैसा कनेक्ट कर रहा है क्या ये सच है क्या ये सच्चा है या मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ आई डॉन्ट टू प्रूव एनी थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय दैट मोमेंट इंड प्रोसेस लोगों को अच्छा लगे तो अच्छी बात है ना लगे तो माफ कर दीजिए क्या बात है एक आर्टिस्ट जिसके साथ मैं कलेबोरेट करना चाह रहा हूँ नए में से भी हो सकता है hmm. आप बताए आई थिंक मुझे आई वुड लव टू सी यू आतिफ, अली सेठी, राहत, <laughs> एक एंड एंड बीच में मोरू, मोरू, या दैट्स इंटरेस्टिंग आई रियली लाइक मोरू आई मीन ये सारे तो हैं ही अच्छे जस्ट टू थ्रो दैट या उत्तरकाला के आई हैव ऑलवेज बीन ओपन विद कोलैबोरेशंस एंड आई थिंक कोलैबोरेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए uh,

मेरे लिए क्या है टूल टू कनेक्ट विद माई फैंस टू शेयर सम नॉलेज सम जिस तरह अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है so सो आई वहाँ पर हमारी बातचीत यही होती है जिंदगी के बारे में और साइंस और फलसफा और मेटाफिजिक्स और एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद माई फैंस एंड बिकॉज मुझे मेरे फैंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सो आई लाइक इट कि यार कौन क्या किस तरह से uh, you know, यू तो नो तो अच्छा, हाँ। <laughs> <कि> मुझे, <laughs> मुझे, मुझे खुद जरूरत नहीं पड़ी बस अब अच्छा जी एक मेरी म्यूजिक वीडियो जो वाकई मेरे दिल के करीब है आई थिंक झूम जी ढूंढता है hmm. अभी रिसेंटली हुसन जो छत पे वो बॉस्फरस पे बॉस्फरेस, कश्ती हाँ. पे वो शूट हुई है अभी I सर mean, no, वो मैं नहीं हूं हु। हुसन जो है वो वो भी टर्की में वो जो जहा बलून सो बिकॉज उसमें एक पूरी एवोल्यूशन है अब उसको मतलब उसमें बेसिकली इसी चीज़ का इजहार किया गया है कि अपनी अना को बिल्कुल तोड़ के गिर के रिकन्स्ट्रक्ट करना कई दफ़ा एक आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी होता mm. है अपने आप को एंड या सो मेरी सबसे बड़ी इनसे इन सिक्योरिटी एक्चुअली टू बी ऑनस्ट एंड ऑनेस्ट इन टाइम आईरिटी जॉय एंड ब्लिस फॉर माई फैमिली मेरी नंबर वन प्रायरिटी कि मेरी फैमिली और हम शुड बी इनिसफुल स्टेट अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ एक चीजरुड से सीखी कभी कभी बच्चा बनना जरूरी होता है अरे क्या बात है बल्कि अक्सर औकात बच्चे ही बने रहो तो बेहतर है बड़े बनने में नुकसान है <laughs> <laughs> एक आदत जो मैं अपनी बदलना चाहता हूँ स्टॉप बींग सो हार्ड ऑन माई सेल्फ या माफ़ कर दो अपने आप को भी हर चीज़ तुम परफेक्टली नहीं कर सकते एंड इतना परफेक्शनिस्ट ना हो बिकॉज़ मैंने अपनी जिंदगी में आव ट्राइड कि यार वो परफेक्शन की जो परसूट होती है ना आर्टिस्टिक परफेक्शन की उसमें आप अपने साथ यू ऑलवेज़ लाइक ये आर डिसपॉइंटेड इन योर सेल्फ पीछे कि यार मैं ये कर सकता था ऐसा गा सकता था ना आई एम लाइक नहीं यार जो तुम बेस्ट कर सकते थे तुमने किया है एंड इट्स ओके कीप लर्निंग सो सो हार्ड ऑन योरसेल्फ अच्छा जी क्या मैं में बिलीव करता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि रंग रौनक लगी रहती है आर्टिस्टों को hmm. कुछ पैसे मिल जाते हैं प्रोजेक्शन मिल जाती है artists, it, it या फैशन से जो लोग हैं अवार्ड मिलता है आके प्रक्रिया होती है वो uh. अच्छी शुरू शुरू में अच्छा लगता है तो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए मैं वैसे ही एडवोकेट करता हूँ होनी चाहिए उनके मकैनिक्स पीछे क्या है कि उनका क्राइटेरिया क्या है उनसे बहुत सी चीज़ों से मैं डिसग्री करता हूँ आई थिंक के जो मैार है परखने का uh, वो कम से कम कॉपरेट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट पे और आवाम की राय पे बेस होना चाहिए और आर्टिस्टिक uh, प्रोवेस पे होना चाहिए uh, हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा एक लॉबी सिस्टम दुनिया भर में ही रहता है उसका उसका होता है तो वो नहीं होना चाहिए आप सबको एक तो पहले ये कि मेहनत करें रिसर्च पूरी करें यू नो बिकॉज इट इज़ योर जॉब टू डू द रिसर्च कि कौन क्या कर रहा है किसने कितना किया है सो दैट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उसकी जो प्रेफरेंस होती है ना ऐसी वही बात आ जाती है कि इंटेंशन क्या है सो so अगर आपकी इंटेंशन ये है कि प्रोडक्ट बेचनी है

बहुत बुरा लगता है कि यार जिस तरह वासे ने बताया था कि जेपीएन में एक सीन उसने इनकंप्लीट लिखा था और हमने शूट भी कर दिया तो जब वो फिल्म देख रहा था उसको खुद से याद आया ये तो मैंने कंप्लीट करना था नो आई विल बी या यू वांट टू रीशूट दैट सीन कोई नहीं हमने बहुत सोचा था सब सीन्स पे हमारी बहुत बहस हुई थी hmm. हमने सोचा हमने और हमने बहुत सीन एक बहुत बड़ा सीन काटा भी जिस बहुत पैसे लगे थे एंड वी डिडंट पुट इन द फिल्म बिकॉज़ फिल्म थोड़ी लंबी हो रही थी वी सेड वी डोंट नीड दिस पूरा सेट लगा था मे बी द एक्शन सीक्वेंसेस और बेहतर हो सकते थे लेकिन mm -hmm. उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए था बट आई लाइक दैट फिल्म वो जैसी थी मेरे ख्याल में वैसी होनी चाहिए ओके टू आने वाली है जब कोई ऐसी प्लॉट या स्टोरी क्रैक होगा बिकॉज सीक्वल्स कैन बी वेरी ट्रिकी आई डोंट वांट फैंस के एक ऐसा सीक्वल आए जो कि सिर्फ पैसे कमाने के, के लिए बनाया गया जाए आई वॉन्ट वही बात आ जाती है ऑथेंटिसिटी की जो ऑथेंटिक आइडिया होता है अब एट दिस पॉइंट माई लाइफ जब तक मुझे वो आमद नहीं आती कि ये है क्योंकि जब आमद आती ना तो उसमें डाउट नहीं होता हाँ तो ये आगे यही है जब तक वो पूरी तरह नहीं आता तो मैं कोई भी चीज़ सिर्फ ये कि मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए और ये उस नहीं कर सकता बिकॉज इट की भी आपको ऑफर हुई है हाँ जी सब कोई होती रहती मुझे भी होती रहती है इसमें मेरा तो, कोई कमाल नहीं है नहीं तो टेलीविजन क्यों टेलीविजन इसलिए अभी तक कि मुझे जो सब्जेक्ट्स हैं टेलीविजन पे कुछ बहुत अच्छे हैं hmm. कुछ ड्रामाज बहुत अच्छे हैं मैं देखता नहीं हूँ बी आने ज्यादा मैंने देखे नहीं है थोड़े बहुत सीन आंखों से गुजर जाते हैं मेरे आइडियाज थोड़े से क्या कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स नॉट सास बहू घर दुनिया में इतनी चीज़ें हैं बात करने hmm. के लिए माशरे में इतनी टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए so why don't you one? तो मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा यार, बात यह कि जो सेंसर बोर्ड है उसमें ये इस तरह के टॉपिक्स आप शूट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर सेंसर हो जाएंगे सो ah, okay. so, फिर आपकी क्रिएटिविटी हो जाती है लिमिट हालांकि मेरा ये बिलीफ है कि जब आप जब तक आप उनूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे जो माशरे में हैं किसी भी लेवल पर Uh, तो तब तक आप क्रिएटिविटी तब तक आप उनको हल नहीं कर सकते आप उनको ये की ब्रशिंग दम अंडर द कापेट इसका मतलब है कि वो सॉल्व हो रहे हैं वो तो फिर भी वही हैं hmm. और दूसरी चीज़ ये कि लेट योर इमेजिनेशन एक्सपैंड आर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपैंड करें कि यार ये भी हो सकता है ये भी बन सकता है मैंने लिमिटेड टू कि जी एक घर होगा तो में ये ख़ानदान है फैमिली है आपस में ये लड़ाइयाँ हो रही है तो मेरी मेरा वो बंद हो जाता है एकदम दिमाग कि मैं यार इसमें मैं अपने आप को नहीं देखता क्योंकि मेरे से बेहतर ये चीज़ आपको दूसरे लोग करके दे सकते हैं और वो कर रहे हैं क्या बात है एक नन्ना मुन्ना सा इंसिडेंट हुआ था वहाँ मैं मौजूद भी था एक शो था जहाँ आप होस्टिंग कर रहे थे शान और आपके बीच में कुछ बड़ी बातें हुई थी मीठी शीठी इंडिया से आप आए थे आ, आपको लगता है क्या हमारे जो सीनियर्स हैं बिकॉज उन उनका ये कहना है फिल्म इंडस्ट्री में कि जी नए लॉट में है जो स्पेशली एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के उनके अंदर वो रिगार्ड नहीं है ओल्ड एक्टर्स का जबकि नए के पास ये है कि भाई इन्होंने हमारे लिए क्या किया यहाँ वे डू स्टैंड बिटवीन दैट बिकॉजो इट्स वेरी सिंपल अगर शान भाई की बात की जाए तो मैंने शान भाई के मुंह पे भी और उनके पीछे भी एक ही बात करता हूँ कि कई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे उनकी बनावट ऐसे उनको बनाया होता है के उनका एक ख़ास पर्पज़ आपको नजर आ रहा होता है एन शान लुक्स लाइक अ फिल्म स्टार हिज प्रेजेंस, हिज लुक्स वो सारी वो चीज़ें लेकिन मैं उनको एक और चीज़ भी कहता हूँ कि शान भाई आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दूसरों के साथ आप यही रहे बिकॉज hmm. जब आप कोई ऐसा कमेंट पास करते हैं कोई ऐसी बात करेंगे जिससे किसी की तजलील हो डिसरिस्पेक्ट हो या दिल दुखे तो उसके बदले में फिर रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता yeah. है सो so, आपसे जो सीनियर्स हैं यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड बी इंक्रेजिंग टूवर्ड्स अदर्स जूनियर्स बिकॉज यू क्रिटिस ओवर क्रिटिकल एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू मस्ट भी कमिंग फ्राम अ गुड प्लेस कि यार मैं तो चाहता हूँ इंडस्ट्री की बेहतरी हो सर बट इफ़ यूर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्रिटिसिजम देन द अदर पर्सन वुड आई एम नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ बट जूनियर्स जो हैं वो थोड़ा फील करेंगे कि यार यू you नो know, हमें प्रीच क्यों किया जा रहा है उस तरह से तो आई थिंक इट इज़ अनफ फॉर हिम टू प्रूव एवरी थिंग जस्ट विद इस वर्क कि अगर वो अपना काम ही ऐसा करते जाए और फिल्में बना बना के ऐसी दिखाते जाएँ कि देखा मैंने कहा था ना मुझे पता है तुमसे ज्यादा तो वो खुद ही नजर आ जाएगा उसके अंदर तो आई थिंक यू शूड जस्ट मेरा ये उनसे छोटे भाइयों की तरह बस यही है कि आई मतलब आई वुड स्टिल रिस्पेक्ट हिम आई है टाइम्स फेल आई विद दैट रिस्पेक्ट एंड फॉन्डनेस एंड वर्ड्स हेम हिम फूडी तो आप हैं और नन्हे मुन्ने से बस मैं कुछ नाम लूंगा कोई हमारी हीरोइन या कोई हमारा हीरो जो भी आपके माइंड में या कोई आर्टिस्ट जो भी आपके माइंड में आता है व्हेन आई से दीस फॉलोइंग थिंग्स ठीक है ना बगैर सोचे समझे तो कह दें तो अच्छी बात है सबसे पहले पालक गोश्त हमजा <laughs> हमज़ाली बस पालक गोश्त ओह अच्छा आलू मेथी फुवाद हाँ हा, हा। वाह वाह आज वा, वा, वा। की पके पालक गोश्त आलू मेथी आओ जी देखो माला जट क्या बात <laughs> अच्छा जी करेले की माँ शान आहा कढ़ाई <laughs> मयूसैद ओहो हो। निहारी निहारी हां खलील रहमान <laughs> खलील साहब वाह 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 सही आ रहे हैं ना बिल्कुल पूरा अच्छा जी चने और वो भी चिकन वाले

पिंडी कोश्त मरीना खान आज मतलब इतनी नफीस इतना कभी उन्होंने किसी को किसी किस्म की ग्रेशन नहीं मिलती सब्जी भिंडी भी आराम से अपना काम करके सॉफ्ट ऑन द स्टमक प्लीजिंग टू ईट तो वो नहीं नहीं ठीक है ठीक है मैं फ्राइड फिश फ्राइड फिश मैं भी शायद ओए 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 स्पाइसी वाली बंदे बंदे पे <laughs> डिपेंड करता है कि किसको कितना स्पाइस पसंद है अच्छा जी आ, और चलें जी ये भी पूछ लेते हैं <laughs> यह अलग लिखा नहीं हुआ <laughs> मगर मैं अपनी तरफ से कह <laughs> रहा हूँ लिखा हुआ क्योंकि हम लोगों ने फ्राइड फिश की बात की है तो फिर सुशी सुशी वुड बी ऐ भी कुड़ी बंदी है मुंडा नहीं बंदा सुशी आई uh, थिंक मायरा खान आह सुशी वेरी नाइस वेरी नाइस सर ये तो आपके ठरके थी और आपके टेस्ट थे जो आपने टेस्ट बर्ड डिफाइन किए लेकिन अ वंडरफुल प्लेजर पाकिस्तान एंड फॉर योर सेल्फ बहुत कम लोगों ने ये अचीव किया और जो आपने सक्सेस देखा है विद द हार्डशिप्स एंड यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट Uh, मैं हमेशा वो चीज़ एडमायर करता हूँ आपकी कि आपका आपने एक दफ़ा धोती पहन के एक अवार्ड शो में आए थे उस टाइम पे किसी जानते जानते हो जरूर नहीं नहीं <laughs> मेरी धोती तो लानी है बट द वन थिंग मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था मैंने कहा था यार इस बंदे की ये ज़रूरत है कि एक अवार्ड शो के अंदर अपना कल्चर और अपना हेरिटेज uh, को प्रमोट करने आया है ये बंदा और मैंने हमेशा से जब से आप माशा मौसीकी कर रहे हैं मैंने आपको ग्रो ही करते हुए देखा है और अल्लाह हमेशा ही आपकी ग्रोथ जो है ये कंटिन्यू रखे लेट इट बी एज अ रोल ऑफ अ फादर हस्बैंड एज अ रॉक स्टार एज म्यूजिशियन एज एक्टर और इवन एज अ कंपोजर अल्लाह आपको और एज अ पर्सन आपको ये रूज हमेशा दिखाता रहे Thank और आप हमेशा so. इसी तरह पी के ऊपर कंट्रोवर्सी करते थे, <laughs> थे और इसी तरह मैं एंटरटेन करता मजा <laughs> मजा मजा आया मजा आया मजा आया <laughs> आया कि नहीं वाह थैंक 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 यू 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 सो मच ना ख्याल रखें उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा जिस तरह अली ने बड़ी खूबसूरत बातें कही उसी तरह मैं इसी चीज़ पे इख्ताम करना चाहूँगा कि अपने पे फोकस रखें अपने आप को बेहतर कर लें तो हो सकता है हम लोग दूसरों को भी बेहतर करें आ, मुझे इजाजत दीजिए और जाते जाते अली से आखिरी सवाल तो ज़रूर हम पूछेंगे आ, किसी दूसरे का गाना जो आपको बड़ा पसंद हो कि यार हाँ हाँ आजकल नए लॉट में नया कोक स्टूडियो भी आया ना हाँ। तो किसी का कोई गाना पसंद आया आ, कहानी सुनो आजकल हर हर कोई गाना बहुत अच्छा गाना है कहानी आई थिंक वो गाने से बेहतर उसकी आवाज़ है वो लड़का बहुत अच्छा है कैफे उसकी वो मतलब वो एक दरवेश टाइप आदमी है बड़ा हम्बल इट्स वेरी हम्बल गाय तो उसकी जो इनोसेंस है वो उसकी आवाज़ में छलकती है और उसका जो क्राफ्ट है तो आई थिंक ही डिजर्व्स आई विश हिम द बेस्ट बिकॉज वी नीड मोर सिंगर्स एंड सॉन्ग राइटर्स मुझे वो ये देखो ये कैफे ने भेजा है थैंक यू कैफी बट आई थिंक ही आई सी एज ही कुड बी The Bob Dylan of this generation, in Pakistan. You I know. Think so, yeah. Acoustic guitar and yeah. and good compositions and good writing, good compositions writing, strong lyrics, poetry. जो आजकल हम अंडर एस्टिट करते हैं हम लोग शायरी परम कॉन्सेंट्रेट करते हैं शायरी बहुत जरूरी है ठीक है सर हूँ yeah. पालक आ गई oh, आ गए <laughs>